हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा पहले से पड़ा हुआ है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज है, फिर उनकी सेल है। तो यहां पर देख सकते हैं राम की सेल कितनी है, 7,995 रुपए, यानी 7,995। इसी तरीके से और भी लोगों की सेलिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे आराम से सम का फॉर्मूला लगा करके आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पूरे की सेल बताएगा, यानी पूरी सेल बताएगा, यानी ये पूरी सेल कितनी हुई वो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, देख सकते हैं। लेकिन हमें पूरी सेल तो कैलकुलेट नहीं करनी, हमें एक पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉई है उन्हीं की सेल कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा उसी के बारे में समझेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है सम इज इक्वल टू के निशान से, तो यहाँ इज इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पे लगाना है सम इफ, ये लगा दिया। अब हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारी वो रेंज है, ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद से क्राइटेरिया देना है, तो कॉमा देंगे और क्राइटेरिया देते हैं। लाइक हमें मोनिका की सेल पता करनी है, तो मोनिका को सेलेक्ट किया। और सम रेंज कहां से पता करनी है, यहां से पता करनी है, तो कॉमा देकर के इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर जाइए। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखेंगे मोनिका की टोटल सेल आ चुकी है। अब ये सही है या गलत है इसका एनालिसिस जरा हम कर लेते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, मोनिका की जो भी सेल है वो यहां से हम चूज करते चलेंगे, तो ये हो गया। फिर प्लस का साइन लगाया, फिर यहां पर देखिए ये है, तो फिर इसको सेलेक्ट करके फिर प्लस का साइन लगाया, फिर यहां पर इसको सेलेक्ट करके फिर प्लस का साइन लगाया, फिर यहां पर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर यहां पर देखिए ये दिया हुआ है, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। ऐसे ही करके पूरी रेंज ये जो मोनिका वाली है ये हमको लाइन वाइज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया और फिर इसके बाद इसको करेंगे, सब इसी तरह से करके हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट वाला भी। अब तो ये सब सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया हमने, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल मोनिका की है वो टोटल सेल ही यहाँ पर भी शो कर रही है। ये देखिए ये एक एक करके मैंने जोड़ा था और ये सम इफ लगा करके जोड़ा था। तो जो भी आपको आसान तरीका लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, ओके। So thank you for watching this video.